पानीपत के कुराड गांव का यूट्यूबर निशु देशवाल दो भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी 12वीं पास करने के बाद ही स्टंटमैन बनने की रुचि बन गई। उसकी यूट्यूब पर वीडियो देखकर स्टंट करने की चाह हुई। सबसे पहले बाइक पर स्टंट किए गए। पिता जयवीर किसान है, जिसके कारण घर में ट्रैक्टर भी था। निशु से इसी स्वराज ट्रैक्टर पर स्टंट करने शुरू किए। उसने स्टंट करने के लिए यमुना की तलहटी को चुना। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ ट्रैक्टर लेकर यहीं आता था और वीडियो शूट करता था। उसकी वीडियो पर लाखों व्यूवर आते थे। लोगों के प्यार को देखकर 2 साल पहले निशु ने एक ट्रैक्टर और 1.5 साल पहले एक थार गाड़ी भी खरीद ली थी। अब वो दोनों ट्रैक्टर थार गाड़ी से भी स्टंट दिखाता था। सोशल मीडिया पर उसके 13 लाख फॉलोअर हो चुके थे। 3 साल में ही वो टोचन किंग बन गया था। वो अक्सर अपनी वीडियो में अपने ट्रैक्टर से दूसरे ट्रैक्टर को खींचते नजर आता था। अब कोटा और सीकर जाने की जरूरत नहीं। पिछले 30 साल के श्रेष्ठ अनुभव से लाखों डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के बाद कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान अब महेंद्रगढ़ में भी। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 29 फरवरी 11वीं और प्री फाउंडेशन के विद्यार्थियों के लिए 28 मार्च से नया बैच प्रारंभ, केवल लिमिटेड सीट के साथ। अधिक जानकारी के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। आसपास के क्षेत्र के लोग उसको स्टंटमैन के नाम से भी जानने लगे थे। 1.5 साल पहले ही निशु की शादी हुई थी। वो 5 माह के बेटे का पिता था। सोमवार को स्टंट करते हुए निशु की जान चली गई। निशु की स्टंट करते हुए ट्रैक्टर के नीचे दबने की वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें 3 दोस्त उसकी वीडियो बना रहे हैं। स्टंट के लिए निशु काफी साल से अभ्यास कर रहा था। स्टंट के दौरान पहले भी कई बार हादसे हुए और वह बाल बाल बचा, लेकिन मौत का ये खतरनाक खेल कर फॉलोअर बढ़ाने का ये सिलसिला जारी रहा। स्टंट का खतरनाक खेल आखिरकार जानलेवा साबित हुआ और ट्रैक्टर बैलेंसिंग न होने से हुए हादसे में उसकी मौत हो गई।